क्या बात क्यों हुई है दुकान पे? दुकान पे रात 12:30 बजे चोरी हुई है जी। अच्छा। हम तो 11 बजे खाना खा पी के सो गए थे, 12:32 पे चोरी हुई है। 3 लड़के आए, शटर तोड़ के चोरी की है उन्होंने, कैश ले गए हैं 5 लाख रुपए। लड़कों की कोई वीडियो में पहचान वगैरह हुई है? कोई वीडियो वगैरह आई है लड़कों की? एक लड़के का वीडियो आई है लेकिन पहचान नहीं हो पा रहा है कौन है वो। अच्छा। जी आपको कैसे पता लगा कि कितने बजे शटर उखाड़ा है? आपको कैसे पता लगा? हमारे वहाँ कैमरा लगा हुआ है, टाइम टेबल पता लग रहा है सारा कुछ। सुबह हमारे पास 5 बजे फोन आया बाहर की से पड़ोसी का कि लाला जी आपका शटर टूटा हुआ है। अच्छा। तो हम उठे हैं फोन देख के। कितने का नुकसान हो गया आपका? कितने का कैसे हुआ? बता दे रहा हूँ, कैश ले गया है 5 लाख रुपए। अच्छा, 5 लाख कैश ले गया आपका, मतलब अंदर भी शटर उखाड़ के अंदर घुसाया, मतलब सारे 3 बंदे थे? एक बंदा अंदर आया है, उसी का फोटो आया है बस। टोटल कितने? 3 बंदे थे? टोटल 3 थे। 3 थे, 2 बाहर ही खड़े थे? 2 बाहर खड़े थे गाड़ी पे। गोंडिया चौकी को सूचना दी इसकी? हाँ जी, रिपोर्ट लिखा दी है। हाँ जी। उनको क्या आश्वासन लगा के आपको? ओह तो बस बोले हैं कि मैं देखता हूँ, आए हैं वीडियो चेक किए हैं, देखे हैं। लड़के बाइक पर आए थे या कैसे? हाँ जी, बाइक पे थे, स्प्लेंडर गाड़ी थी उनकी। अच्छा, वो स्प्लेंडर की वीडियो आ रही है? हाँ जी। मतलब लगता है कि कोई शक है किसी पे, कोई इस एरिया के लड़के का होना जैसे? लड़के तो इसी एरिया के हैं जी, बताने वाले बता रहे हैं, मोहल्ले के लड़के। अच्छा, इसी मोहल्ले के लड़के हैं? हाँ जी, इसी एरिया के लड़के हैं। कैसे देखते हो इस इलाके को, रामनगर को, चोरी की वारदात को जो अंजाम देखेंगे कैसे? बहुत गलत है जी, हमेशा यहाँ पे चोरियाँ होती रहती हैं, बहुत गलत हो रहा है। इस एरिया में रात को गली में कोई पीसर की गश्त नहीं रहती? नहीं सर, कोई गश्त नहीं होती, अगर गश्त होती तो ये वारदात नहीं होता।